अस्सलाम वालेकुम। आज एक और मैं बिजनेस आइडिया के साथ आपके साथ आया हूँ और थोड़ा सा आइडिया डिफरेंट है, थोड़ा सा फ़र्क है हम आइडिया से, एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। सो दिस इज़ नथिंग वेरी इजी, बट राधर स्पेंडिंग, बड़े लोग होते हैं कहते हैं कि मैंने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन होटल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन पिज्ज़ा कंपनी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन फर्नीचर कंपनी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन कुछ भी, and they plan out and they get failed. Why? Because one of the very main reason is के कई जगह पे लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, सीखते हुए समझते हुए नुकसान हो जाता है, जब तक चीज़ की समझ आती है तब तक बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, कॉस्टिंग्स आउट हो जाती हैं, मार्केट्स की सही समझ नहीं होती, मार्केट्स की प्रॉपर रिसर्चिंग नहीं होती, और भी बड़ी वजह आती है, बट दीज आर फ्यू ऑफ द कॉमन थिंग्स। बट मैं जो आज बिजनेस आइडिया डिस्कस करने लगा हूँ उसमें इन सब चीज़ों को पता ध्यान रखा जाएगा, मगर आपको प्रॉफिट स्लाइटली डिस्टर्ब होगा इन सब की, मगर इसका बेनिफिट क्या है कि ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं इन सब पर नज़र रखा जाएगा और इन सब के ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड दैट द आइडिया इज अबाउट द फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। रादर हम अपनी कंपनी खोलें कॉफ़ी की, वाई डू नॉट वी गेट अ फ्रेंचाइज ऑफ इट? हमें मसला कहाँ पर आता है? हमें मसला आता है कि यार हमारा शेयर इसको चला जाएगा, पर उसके बदले हमें मिलेगा क्या? हमें वो एक प्रॉपर कंपनी मैन पूरी देंगे, पूरी टीम देंगे, पूरी टीम का इंटरव्यू हमारे साथ करेंगे और पूरा स्टैंडर्ड सेट करके देंगे। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमने बैठने मॉनिटर करना है और उसके ऊपर पैसे कमाना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट एंड वेरी गुड आइडिया टू मेक मनी। अब मैं आपको बताता हूँ, इसकी एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। पार्क प्लाजा होटल था लाहौर में और उन्होंने बड़ा अच्छा इसको चलाया, उन्होंने ही एक बंदे ने उसकी फ्रेंचाइज ली, पाकिस्तान में आया, शुरू किया लाहौर में, बड़ा अच्छा, उन्होंने पूरा होटल के एसओपीज बनाए, टीम्स की हेल्प की, ज्वाइंटली इनके ज्वाइंट इंटरव्यूज कंडक्ट हुए, ज्वाइंट एसओपीज डिसाइड हुए, ज्वाइंट वर्किंग डिसाइड हुई, ऐसे टीम हो गया, ऐसे 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 पूरा बना के दे दिया प्लेटफॉर्म। साल बाद आपका होटल चल गया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उसने अपना नाम पार्क लेन होटल कर दिया है, पहले वो पार्क प्लाजा था। बट फायदा क्या हुआ? फायदे सारी चीज़ें सेट हो गई, अगर खुद करने बैठते शायद इतनी ना कर पाती, इतनी परफेक्शन ना आ पाती, या गलतियाँ आ जाती, या वो ब्रांड और वो नाम रिकग्निशन ना ले पाते जो वैसे ले पाए। अपना नाम लॉन्च करने इज अ अल्टीमेट बेस्ट स्ट्रैटेजी, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। मैं फुली एग्री करता हूँ कि आप अपने नाम से काम शुरू करें, इससे बेहतर कोई और ऑप्शन है ही नहीं मार्केट में। फुली एग्री हो गया, कोई किसी किस्म की बहस नहीं भाई, फुली एग्री करता हूँ मैं और मानता भी हूँ, कहता भी हूँ। हाँ, बट अपना नाम चलाना इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, टाइम टेकिंग प्रोसीजर। उससे बेहतर शॉर्टकट तरीका है कि लेट्स गेट अ फ्रेंचाइज ऑफ समथिंग एंड स्टार्ट विद इट। फॉर इंस्टेंस, सुपर एशिया ग्रुप ने पाकिस्तान में हार्डीज के नाम से शुरू किया रेस्टोरेंट। उनके पास पैसे नहीं थे अपना सेटअप लॉन्च करने का, पैसे थे अपना बर्गर नहीं बना सकते, शायद हार्डीज से अच्छा बर्गर बना देते, मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार्डीज के साथ कोलैबोरेट किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराते हैं। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, हमारा भी विनिंग हो जाएगी, हमारे पैसे इन्वेस्टमेंट अच्छे अवेलेबल लग जाएंगे, लोगों को भी लगेंगे। मुझे याद है जब हारिस लाहौर में हमें मालम रोड पे खुला ना, तो बड़े दिन तक इतनी हैवी लंबी टेक अवे और सेटिंग का रश था कि जनाब क्या बताऊँ मैं आपको। आई फील लाइक उन्होंने अपना पैसा कमाया है और अच्छा उसके ऊपर रिटर्न भी लिया है, उनके कॉस्ट भी पूरे की, इन्वेस्टमेंट पूरे की, रिटर्न भी अच्छे। इसके बरक्स अगर वो किसी नए नाम से आते तो पहले दिन के इतना रश होता, पहले दिन की इतनी हाइप होती, आई हार्डली थिंक, अनलेस एंड अंटिल उन्होंने कोई फ्री इवेंट किया हो, ये सबको फ्री में बुलाया, तो दैट इज अनदर स्टोरी। बट अदरवाइज मुझे नहीं ऐसा महसूस होता था कि ऐसा रश उनको मिलना था जो उन्होंने अपने स्टार्ट करने पे दिया। सो फ्रेंचाइजिंग सिस्टम कैन बी बेस्ट, और साथ उनको भी बेनिफिट हुआ, उनको एक स्टेट डिजाइन रेसिपीज मिल गई जो बाहर के ममालिक में, ऑल्सो दे हैव टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो आई फुली एग्री वो किसी को शेयर नहीं करेंगे, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे जो है ना दोस्त हैं, उन्होंने OPTP 1 potato 2 potato की फ्रेंचाइज ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि खाना हमारा अभी भी हेड ऑफिस है ही, हमारे पास फूड आता है, मगर हमारे पास चोरी नहीं है,
हमने जो अपना कैफे रन किया हुआ था तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो उसने मुझे इस चीज़ पे एजुकेट किया कि चोरी ना होने की जो वजह है वो ये है कि हमें मिसाल के तौर पर 100 बर्गर हैं तो 100 पैटीज आने, 100 में से 99 बर्गर बने, एक नहीं बना, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं घपला है। सो उनके लिए ट्रैकिंग भी आसान है, फ्रेंचाइजिंग मॉडल में ट्रैकिंग भी आसान है, चोरियाँ भी कम हैं, क्योंकि आपकी हेल्प कर रहा है एक और ग्रुप जो आपके लिए भी नज़र रख रहा है और आप उनके लिए भी नज़र रख रहे हैं, तो एक प्रोफेशनली काम भी हो रहा है, आपकी चोरी भी नज़र रख रहा है, और अगेन इसके बदले आपको उनको कुछ ना कुछ शेयर देने पड़ेंगे, उनका नाम के भी कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे, मंथली रेंट भी देना पड़ेगा, वन टाइम क्या पता पैसे देने पड़े, कुछ ना कुछ कोलाबरेट करके आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट इन रिटर्न जो बेनिफिट्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि इट्स वर्थ ट्राइंग फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, एंड इट कैन मेक गुड बिजनेस इनकम एज वेल फॉर यू एज वेल एज फॉर योर पार्टनर्स। तो इतने ज़्यादा लोगों के नसीब लगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें अच्छा रिटर्न देगा, बट आई फील लाइक ए फ्रेंचाइजिंग सिस्टम कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ बड़े अच्छे, अब और भी बड़े एग्जाम्पल्स ले लेना, फॉर इंस्टेंस अली बाबा ने पाकिस्तान में आना था, उन्होंने भेजा खुद एंटिटी करने के द्रास के साथ वेंचर कर लिया, उसके साथ आ गया। तो बेसिकली ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए होती हैं फ्रेंचाइजेस, पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, ताकि बजाय हमें जो आके अपने इतना ब्रांड बनाऊँ, मेहनत करूँ, किसी और के साथ मिलकर इकट्ठे काम करें और उसके साथ फ्रेंचाइजिंग मॉडल पर जाएँ और उसके साथ पैसे कमाएँ। और इस तरह के बेपनाह एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं कि जहाँ पे फ्रेंचाइजिंग मॉडल हैज़ प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल और इसमें अच्छे इनकम भी है, माइनसेस भी हैं डेफिनेटली, मैंने इससे कोई इनकार नहीं किया कि आप अपना प्रॉफिट कुर्बान करना पड़ेगा, बट इन रिटर्न जो बेनिफिट्स हैं वो वर्थ करते हैं कि आप अपना प्रॉफिट कुर्बान कर दें, कोई बात नहीं। सो दिस वॉज माई व्लॉग ऑन फ्रेंचाइजिंग सिस्टम, व्लॉग कैसा रहा फीडबैक जरूर दीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट आउट, अल्लाह हाफिज़।